हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार सुती सूरत सवेरे सवेरे कितने जा रही है। यार मैं जरा आज लाहौर जा रहा हूँ, मेरे दोस्त है रुखसार मुस्तफा, तो उसके साथ मैं ना प्लान बनाया था। मैंने नहीं बनाया एक्चुअली, उसकी ना गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो उसकी अपॉइंटमेंट थी लाहौर, उसने कोई टेस्ट करवाना था, अपना मेडिकल करवाना था, तो उसने मुझे बोला था कि यार मुझे अपनी गाड़ी पर लाहौर ले जाओ, तो पेट्रोल वगैरह मैं अरेंज कर लूँगा, तो हमारा एक तो आउटिंग भी हो जाएगी। तो मैं क्या, मैं तो फ्री हूँ, तो ठीक है जी आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं। अभी मैं अपनी गाड़ी निकालने आया हूँ यहाँ पे, तो अब मसला पता क्या हुआ। अच्छा, आजकल ना मैं एक नई जगह पे गाड़ी खड़ी करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे अक्सर ना बड़ी मुश्किलें पैदा होती हैं। क्यों? अब एक ये गाड़ी है और ये दो गाड़ियाँ, ये तीनों ना एक ही फैमिली की गाड़ी, और मेरी कज़न है, रिश्तेदार है हमारे। तो अब मुझे बताओ कि मैं ये गाड़ी कैसे निकालूँ। इधर से निकालूंगा तो ये गाड़ी है पीछे मोड़ूंगा, मुझे थोड़ी मुश्किल करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसको मोड़ के इधर लेके आऊँगा, दो बार टर्न करनी पड़नी, आगे करनी पड़नी, पीछे करनी पड़नी है, फिर जाए गाड़ी निकलेगी। तो एन सैबा पाए है मनु। अब अगर तो मेरा कज़न देख रहा होगा ना मेरी वीडियो, दाने काट जाएगा। आई एम प्रीटी डैम श्योर कि भाई जी वो हंस रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अब मैं यहाँ से मोड़ूंगा। अब ये भी ये बनी हुई है, ये ना बनी होती तो भाई यहाँ से मैं निकाल लेनी थी ईजीली। चलो, अब मेरी गाड़ी का एक प्रॉब्लम ये भी है ना, खड़ी खड़ी गाड़ी में एसी भी नहीं लगता। अब मैंने पसीना पसीना हो जाना है, तो चलो खैर है, कोई बात नहीं। अब बाइक मैंने अपनी खड़ी कर दी है, तो अब मैं यहाँ से बस निकल रहा हूँ। मुझे ऑलरेडी सारी कॉल आ रही है, तो भाई लेट हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा, बस निकलने वाली करता हूँ। तो होप सो आज का हमारा टूर जो है वो अच्छा गुजरा। शादी हो गई है भाई साहब की, हम अभी तक आ रहे हैं, भाई साहब की शादी हो गई है। फिर भाई साहब की शादी का मैंने ब्लॉग बनाया था, लेकिन वो उस टाइम किसी वजह से मैंने अपलोड नहीं किया, एक सीक्वेंस ही थी बना था, नहीं तो मैंने इनके शादी का ब्लॉग बनाया। कभी हुआ तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। तो अभी हम मोटरवे पे हैं और बस थोड़ा सा रास्ता रह गया है, और जाकर लाहौर पहले मेडिकल कराएंगे, आफ्टर मेडिकल फिर कुछ कोई शॉर्ट्स वगैरह बनाएंगे, क्योंकि यार अभी गर्मी बहुत है भाई, गाड़ी के अंदर बैठने के हालात हैं, गाड़ी के बाहर बहुत गंदे हालात हैं। अब हम बस वहाँ पर पहुँचते हैं, और पहुँच के आफ्टर मेडिकल आपके जो भी सीन हो गया मैं आपको दिखा दूँगा। भाई रुखसार तो अंदर चला गया है, तो मैं अब यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ। तकरीबन घंटा डेढ़ हो गया मुझे यहाँ पर वेट करते हुए, और गर्मी अखीर थी, अभी थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की सी, हल्की हल्की सी। आपको मैं भी लग रहा हो कि मैंने कपड़े चेंज किए हैं, हाँ जी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैं अपने साथ ना शर्ट और ये साथ निकर भी लेके आया था, शॉर्ट्स, तो क्योंकि यार ईजी हो गया गाड़ी चलाने में, मज़ा मज़ा आता है, तो इसलिए अपना वो आता है रुखसार। तो मैं भी बहरिया टाउन प्लान बने मेरा, वहाँ पर मेरे मामू का घर है, तो वहाँ पे जाऊँगा थोड़ी देर, वहाँ पे मिल गए उनको, तो फिर वहाँ से भी वापसी हो जाएगी। तो अब जैसे ही मैं फ्री होता हूँ तो फिर आप लोगों को सीन में दिखाता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है।
अच्छा भाई मैं और मेरा दोस्त मेरे मामू के घर आ चुके हैं। ये घर है, ये मेरे कज़न घर ही है। थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट करेंगे, फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। रात ना हो जाए और शाम होने से पहले यहाँ से निकल जाना तो अच्छा होता है। गाड़ी पे आज थोड़ी गाड़ी ना काम ख़राब कर रही है, तो इस वजह से ना जितना जल्दी होता है यहाँ से निकले, बस थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट करनी है फिर यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे। तो गाइज दिस इज़ इट, ये थी मेरी वीडियो। बिल्कुल अभी भी पहुँचा हूँ और एक बज चुका है, अब मैं बस सोने लगा हूँ क्योंकि बस मनु की चाहिए हूँ ए सी होए बेड होए तो मैं हूँ सो जाना। सुबह की गाड़ी चला रहा हूँ तो अब सोना है स्कूल से। तो होप सो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। अब मेरी कोशिश यही होगी कि डेली ब्लॉगिंग करूँ, जितनी हो सकी मैं ज़रूर करूँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए बी हैवी बी सेफ, दिस इज ईशान मायो, अल्लाह हाफिज़। His name is Usai Mustafa and he's been with me since